नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमोजित शाह और आप देख रहे हैं सोमोजित टेक्निकल यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आज के इस वीडियो में भी बहुत सारे एक्साइटिंग न्यूज़ है, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और हम बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज़ की तरफ और शुरू करते हैं हमारे आज का टेक न्यूज़ का एपिसोड। हमारे आज का फर्स्ट टेक न्यूज़ सेल का है रियलमी की तरफ से। रियलमी X50 प्रो 5G का जो इंडिया में नेक्स्ट सेल डेट है वो निकल के आ चुका है। ये फ़ोन फरवरी मंथ में इंडिया में लॉन्च हुआ था और इसका लास्ट सेल हुआ था मार्च मंथ में एक फ्लैश सेल के थ्रू। और उसके बाद से चार महीने के लिए इस फोन का कोई भी सेल नहीं हुआ है। और अभी चार महीने के बाद इस फोन का जो नेक्स्ट सेल होने वाला है वो होगा 13 जुलाई को एट 12 PM वाया फ्लिपकार्ट और realme.com। और इस बीच इस फोन का प्राइस भी बढ़ चुका है GST के बढ़ने के कारण। इस फोन का जो अभी का इंडिया का करंट प्राइस है वो कुछ इस तरीका है। इसका जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरियंट है, इसका प्राइस है 39,999 रुपीज़। इसका जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरियंट है, इसका प्राइस है 41,999 रुपीज़। और इसका जो 12GB प्लस 256GB वाला वेरियंट है, इसका प्राइस है 47,999 रुपीज़। इस फोन में आप लोगों को मॉस ग्रीन और रस्ट रेड ये दोनों कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इस फोन में आप लोगों को 6.44 इंचेस का एक फुल HD प्लस का 90Hz का रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इस फोन में आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर मिल जाता है विथ एड्रीनो 650 का GPU। और इसमें आप लोगों को पीछे की तरफ 64 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को फ्रंट में 32 प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल पंचोल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और इस फोन में आप लोगों को UFS 3.0 प्लस का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। इस फोन में आप लोगों को 4200mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है विथ 65W सुपर डॉट चार्जिंग वाया USB टाइप सी पोर्ट। और इस फोन में आप लोगों को कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G के साथ साथ 4G वोल्ट भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ ब्लूटूथ वर्सन 5.1 मिलता है, वाईफाई 6 मिलता है और GPS भी देखने को मिल जाता है। और इस फोन में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको Realme की तरफ से आने वाला इस फ्लैगशिप फ़ोन को खरीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इस फोन को 13 जुलाई को एट 12 PM पे खरीद सकते हैं। आज का सेकंड टेक न्यूज़ सेल का है वो सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस का स्पेसिफिकेशन को टिप्ट किया जा रहा है और बताया कि ये साल से 5 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। बताया गया कि सैमसंग इस साल उनके दो न्यू फ्लैगशिप टैब्स को अनवील करने वाला है। एक है सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस। और बताया कि इन दोनों फ्लैगशिप टैब्स को सैमसंग उनका इस साल का यानी कि 2020 का जो गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होने वाला है 5 अगस्त को एट 7:30 PM इंडियन टाइम पे, उसी इवेंट पे शायद से लॉन्च कर सकता है। सैम मोबाइल के एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है ये जो सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस है, इसमें आप लोगों को शायद से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को शायद से अप टू 3.1 GHz तक का क्लॉक्स भी देखने को मिल सकता है। ये जो सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस है, इसके बारे में कुछ और भी लीक्स निकल के आ चुका है। जहाँ से हमें पता चलता है इसमें आप लोगों से ऐसे 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB ये दोनों वेरियंट्स देखने को मिल सकता है। और इसमें आप लोगों से ऐसे एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 2800x1752 पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिल सकता है। और इसमें आप लोगों से शायद से एस पेन का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसमें आप लोगों से ऐसे बिल्ट इन ब्लूटूथ देखने को मिल सकता है। बताया कि इस टैब में आप लोगों को पीछे की तरफ 13+5 MP का डुअल रियर कैमरा मिलेगा और फ्रंट में 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और बता रहे कि इसमें आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा और उसके साथ 10,090mAh का बैटरी देखने को मिल सकता है। तो जब भी फ्यूचर में सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस को लेके कोई भी डिटेल्स निकल के आएगा, मैं अपने टेक न्यूज़ पर आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे आज का नेक्स्ट टेक न्यूज़ है OnePlus की तरफ से। OnePlus के लॉन्च से पहले इसका स्पेसिफिकेशंस लीक होकर आ चुका है। OnePlus Note 21 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है और बता रहे कि इसका प्री बुकिंग 15 जुलाई से इंडिया में चालू हो जाएगा। OnePlus कंपनी ने खुद कंफर्म किया है OnePlus Note में आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। OnePlus Note के लॉन्च से पहले फेमस टिपस्टार इवन प्लस ने ट्विटर पर एक इमेज शेयर किया है, जहां से हमें OnePlus Note के स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता चलता है। बता दें कि ये इमेज वर्चुअल नॉट ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन से लिया गया है। इस लीक इमेज में आप देख सकते हैं OnePlus Note में आप लोगों को ग्रे एश, ग्रे ऑनिक्स और ब्लू मार्बल ये तीन कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और OnePlus Note में आप लोगों को ऑक्सीजन ओएस 10 मिलेगा, उसके साथ इसमें आप लोगों को 6.44 इंचेस का एक फुल HD प्लस का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा और उसके साथ 408 PPI का पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगा। और इस फोन में आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, उसके साथ 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इस फोन में आप लोगों को पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा होगा 48 MP का विथ सोनी IMX586 सेंसर। और इसमें आप लोगों को EIS और OIS ये दोनों ही देखने को मिल जाएगा। ये जो कैमरा सेटअप है, इसका जो सेकंड कैमरा होने वाला है वो होगा एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, जिसमें आप लोगों को 119
फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाएगा। थर्ड कैमरा होगा 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, और जो फोर्थ कैमरा होगा वो होगा 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। और इस फोन में आप लोगों को फ्रंट में डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को प्राइमरी कैमरा मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, और जो सेकंड कैमरा होगा वो होगा 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल। और इसमें आप लोगों को 8GB+128GB और 12GB+256GB ये दोनों वेरियंट देखने को मिल जाएगा। और इस फोन में आप लोगों को 4115mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा विथ रैप चार्ज 30T। और इसमें आप लोगों को कनेक्टिविटी ऑप्शन में NFC देखने को मिल जाएगा, उसके साथ वाईफाई 2x2 मीमो और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाएगा। और वन प्लस नॉट में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। तो जब भी फ्यूचर में वन प्लस नॉट को लेके कोई और डिटेल्स सेल का आएगा, मैं अपने टेक्निक्स में आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे आज का नेक्स्ट टेक्निक्स सेल का है वो ओप्पो की तरफ से। ओप्पो वॉच सैसे इंडिया में जुलाई मंथ में ही लॉन्च होने वाला है। माई स्मार्ट प्राइस ने शेयर किया है ओप्पो वॉच सैसे इंडिया में ओप्पो रेनो 4 प्रो के साथ लॉन्च हो सकता है। और ये जो ओप्पो रेनो 4 प्रो है ये सैसे इंडिया में 3rd week of July में लॉन्च होगा। तो तभी सैसे ओप्पो वॉच भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये जो ओप्पो वॉच है ये ऑलरेडी चाइना में मार्च मंथ में लॉन्च हो चुका है ओप्पो फाइंड एक्स 2 सीरीज़ के साथ। और ये जो ओप्पो फाइंड एक्स 2 सीरीज़ है ये ऑलरेडी जून मंथ में इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी तक ओप्पो वॉच इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। ओप्पो वॉच में आप लोगों को दो डायल साइजेस देखने को मिल जाता है, एक है 46mm का और दूसरा है 41mm का। जो 46mm का मॉडल है इसका जो चाइना में स्टार्टिंग प्राइस है वो अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो कुछ 21,500 रुपीज़ के आसपास से शुरू होता है। और जो 41mm का मॉडल है इसका चाइना का स्टार्टिंग प्राइस अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो कुछ 16,000 रुपीज़ के आसपास से शुरू होता है। ओप्पो वॉच में आप लोगों को कार्व्ड फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को राइट साइड में दो फिजिकल बटन्स देखने को मिल जाता है। ओप्पो वॉच में आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वायर 2500 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 1GB का रैम मिलता है और 8GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और ओप्पो वॉच में आप लोगों को eSIM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और उसके साथ फास्ट चार्जिंग के लिए वॉच बुक फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। ओप्पो वॉच में आप लोगों को एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, कॉम्पास, कैपेसिटेंस सेंसर और एम्बिएंट लाइट सेंसर देखने को मिल जाता है। ओप्पो वॉच का जो 46mm वाला मॉडल है इसमें आप लोगों को 1.91 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और जो 41mm का मॉडल है इसमें आप लोगों को 1.6 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। जो 46mm का मॉडल है इसमें आप लोगों को 5 ATM का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, और जो 41mm का मॉडल है इसमें आप लोगों को 3 ATM का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। तो जब भी फ्यूचर में ओप्पो वॉच के इंडिया लॉन्च को लेकर कोई भी और डिटेल्स सेल का आएगा, मैं अपने टेक्निक्स में आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारा आज का नेक्स्ट टेक्निक्स सेल का है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो एनको W31 और ओप्पो एनको M31 ये जो वायरलेस हेडफोन्स है इनमें अभी आपको इंडिया में टेम्पोरारी प्राइस का देखने को मिल रहा है। अगर आप अमेजोन के ऊपर से 15 जुलाई से पहले ओप्पो एनको M31 को खरीदते तो आपको 1000 रुपीज़ का प्राइस कार्ड देखने को मिल जाएगा, और अगर आप इनको W31 का खरीदते तो आपको 700 रुपीज़ का प्राइस कार्ड देखने को मिल जाएगा। और अगर आप HSBC का कार्ड होल्डर है तो आपको एडिशनल 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर। ओप्पो एनको W31 का जो नॉर्मल समय प्राइस रहता है वो है 4499 रुपीज़, लेकिन अगर आप अभी खरीदते 15 जुलाई से पहले तो ये आपको पड़ेगा सिर्फ 3799 रुपीज़ में। और ओप्पो एनको M31 का जो नॉर्मल सर प्राइस रहता है वो है 2999 रुपीज़, लेकिन अगर आप अभी खरीदते 15 जुलाई से पहले तो ये आपको पड़ेगा सिर्फ 1999 रुपीज़ में। ओप्पो एनको W31 में आप लोगों को IP54 का वाटर एंड डस्ट एडिशन देखने को मिल जाता है, उसके साथ इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है कनेक्टिविटी के लिए, और इसमें आप लोगों को एंटी विंड नॉइस चेम्बर्स मिलता है नॉइस कैंसिलिंग के लिए, और इसमें आप लोगों को हर साइड में दो इंटरनल हाई एफिशिएंसी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को सिंगल चार्ज पे 3.5 आवर का म्यूज़िक प्लेबैक देखने को मिल जाता है, और अनदर 15 आवर का म्यूज़िक प्लेबैक देखने को मिल जाता है चार्जिंग केस में, और इनको आप 2.5 आवर के चार्ज करने पे फुल्ली चार्ज कर पाएंगे। और ये जो हेडफोन्स है इनमें आप लोगों को गेमिंग के लिए लो लेटेंसी भी ऑफर करता है ओप्पो एनको W31। और जो ओप्पो एनको W31 है इसमें आप लोगों को ब्लैक और वाइट ये दोनों कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और जो ओप्पो एनको M31 है इसमें आप लोगों को ग्रीन और ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को AI बेस्ड नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाता है, उसके साथ माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, एक मल्टी फंक्शनल बटन देखने को मिल जाता है, और वॉल्यूम बटन भी देखने को मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को IPX5 का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, और ये आपको सिंगल चार्ज पे
12 आवर का म्यूजिक प्लेबैक ऑफर करता है, और अगर आप इन हेडफोन्स को 10 मिनट्स के लिए चार्ज करते हैं तो आपको 3 आवर का म्यूजिक प्लेबैक ये हेडफोन्स ऑफर करता है। और इस पर आप लोगों को 9.2 mm का डायनामिक ड्राइवर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ओप्पो इनको W31 या फिर ओप्पो इनको M31 इनमें से कोई भी वायरलेस हेडफोन्स को खरीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इनको खरीद सकेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन का है वो लेनोवो की तरफ से। लेनोवो लेजेंड गेमिंग फोन 22 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, और उससे पहले अभी इसको गीकबेंच के ऊपर स्पॉट किया गया है उसे मॉडल नंबर ऑफ L79031। लेनोवो लेजेंड गेमिंग फोन को रिसेंटली इसी मॉडल नंबर के साथ एंड्रॉइड के ऊपर भी स्पॉट किया गया था, मैंने अपने टेक्स्ट में आप लोगों को बता दिया था। इस गेमिंग फोन का जो गीकबेंच के ऊपर से सिंगल कोर का स्कोर निकल का है वो है 4556, और जो मल्टी कोर का स्कोर निकल का है वो है 13438, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। गीकबेंच के ऊपर से हमें पता चलता है इस फोन में आप लोगों को एंड्रॉइड 10 देखो मिलेगा, उसके साथ 16 GB का रैम देखो मिलेगा। और लेनोवो ने कहा है इसमें आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड के ऊपर से इस फोन का जो टोटल स्कोर निकल गया था वो था 648871, और एंड्रॉइड के ऊपर से हमें पता चला था इसमें आप लोगों को 16 GB का रैम देखने को मिलेगा और 512 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। इस फोन के बारे में कुछ और भी लीक्स निकल के आया है, जहाँ से हमें पता चलता है इसमें आप लोगों को शायद से फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को शायद से 144Hz का रिफ्रेश रेट और 270Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल सकता है। और बता रहे कि इसमें आप लोगों को जो स्टोरेज टाइप मिलेगा वो होगा UFS 3.1 वाला, और इसमें आप लोगों को शायद से जो रैम टाइप मिलेगा वो होगा शायद से LPDDR5 वाला, और इसमें आप लोगों को शायद से पीछे की तरफ 64+16 MP का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है, और फ्रंट में शायद से 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। और बताया जाए कि इसमें आप लोगों को दो USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा, एक होगा लेफ्ट साइड में और दूसरा होगा बॉटम साइड में। और इसमें आप लोगों को बताया जाए कि 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा विथ 90W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो जब भी फ्यूचर में लेनोवो लेजेंड गेमिंग फोन के बारे में कोई भी डिटेल्स निकल के आएगा मैं अपना टेक न्यूज़ में आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन का है वो OnePlus की तरफ से। OnePlus का जो पहला ट्रू वायरलेस ईयरबड्स होने वाला है, जिसका नाम शायद OnePlus Pods होगा, इसको टीज किया जा रहा है। OnePlus इंडिया ने आज एक ट्विटर पे ट्वीट करके इंडिया है कि OnePlus Pods शायद से बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आप स्क्रीन पे OnePlus इंडिया का उस ट्वीट को देख सकेंगे। उसी सेम टाइम पे टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने भी एक ट्वीट करके बताया है कि OnePlus का जो TWS हेडफोन्स है इनको Amazon इंडिया का सब्सक्रिप्शन पेज के ऊपर लिस्टेड कर दिया गया है। माय स्मार्ट प्राइस ने भी कहा है कि OnePlus Pods को सर्टिफिकेशन मिल चुका है फिनलैंड बेस्ड SGS फिमको एजेंसी से, और इसका जो मॉडल नंबर लिखा गया है वो है E501A। और बताया जा रहा है कि इस सर्टिफिकेशन से OnePlus Pods में आप लोगों को 5V 1.5 A या फिर आप बोल सकते हैं 7.5W का चार्जिंग केस देखने को मिल जाएगा। आप स्क्रीन पे इस साइड में एक पिक्चर निकल गया है उसको देख सकते हैं। ये OnePlus Pods का एक लीक्ड इमेज है जहाँ पर आप OnePlus Pods को ब्लैक कलर में देख सकते हैं, और उसके साथ इसका जो इनियर टाइप डिज़ाइन है उसको भी देख सकते हैं। OnePlus Nord 21 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और बताया जाए कि उसके साथ ही OnePlus Pods भी इंडिया में लॉन्च होगा। तो जब भी फ्यूचर में OnePlus Pods को लेके कोई और डिटेल्स निकल का आएगा मैं अपने टेक्नोस पर आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे आज का लास्ट टेक्नोस का है वो है बोट की तरफ से। बोट ProGear B20 स्मार्ट बैंड इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और इसका जो प्राइस निकल का है वो है 1799 rupees, और ये अवेलेबल है Amazon के ऊपर। इसमें आप लोगों को बेज, ब्लू और ब्लैक ये तीन कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को 0.96 inches का एक कलर डिस्प्ले मिलता है जो कि है टच एनेबल्ड, और इसमें आप लोगों को IP68 का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। उसके साथ 90mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है जो आपको 10 डेज का बैटरी लाइफ ऑफर करता है। और ये स्मार्ट बैंड को आप किसी भी USB पोर्ट पे डायरेक्टली प्लग करके चार्ज कर पाएंगे, और ये 1.5 आवर में फुल्ली चार्ज हो जाता है। इसमें आप लोगों को रनिंग, हाइकिंग, बाइकिंग, ट्रेडमिल के जैसे 14 स्पोर्ट मोड्स को ट्रैक करने का मौका मिलता है। उसके साथ इसमें आप लोगों को रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग का भी फीचर देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्ट बैंड आपका जो स्लीप क्वालिटी है, डेली स्टेप्स है, कैलोरी बर्न है, इनको भी ट्रैक करता है। और ये जो स्मार्ट बैंड है इसमें आप लोगों का जो डिवाइस का मैसेजेस और कॉल्स का जो नोटिफिकेशन है उसको भी देखने का मौका मिलता है। और ये जो स्मार्ट बैंड है इससे आपका डिवाइस का म्यूजिक, कैमरास को कंट्रोल भी कर पाएंगे। इस स्मार्ट बैंड में आप लोगों को बहुत सारे स्टाइलिश वॉच फीचर्स देखने को मिल जाता है। उसके साथ इसमें आप लोगों को आइडल टाइम अलर्ट, मेडिटेटिव ब्रीदिंग, फाइंड ए फोन, रिस्ट वेक जेस्चर्स के जैसे फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ये बोट ProGear B20 स्मार्ट बैंड खरीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस स्मार्ट बैंड को खरीद सकेंगे। तो हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में और हमारे चैनल के बारे में पता चले। और जितने भी प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उन सभी का प्राइस कभी कभी वेबसाइट वेबसाइट वेरी कर सकता है, और कलर और वेरिएंट्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो ज़रूर खरीदने से पहले ज़रूर रिसर्च कर लीजिए, और बाहर जो कोरोना वायरस को लेकर सिचुएशन है उस पर अपने घर में ही रहिए और सेफ रहिए, और अगर किसी भी जरूरी काम से बाहर निकलते तो ज़रूर मास्क पहनिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी पॉजिटिव एंड हैप्पी।